बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी, जिसके तीसरे पार्ट हेरा फेरी 3 पर काम शुरू कर दिया गया है। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी तीनों एक्टर्स वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म को फिरोज नारियरवाला ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म को फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। हेरा फेरी 3 के बनने को लेकर फैंस खुश तो हैं, लेकिन फैंस को इस फिल्म के निर्देशक फरहाद सामजी से दिक्कत है। फैंस नहीं चाहते हैं कि इस फिल्म को फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित किया जाए। फैंस ने इसको लेकर बीच में एक ट्विटर ट्रेंड भी चलवाया था, जहां पर फैंस ने हेरा फेरी 3 से फरहाद सामजी को निकालने की बात कही थी। बहरहाल इसी बीच हेरा फेरी 3 से फरहाद सामजी को निकालने पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने प्रतिक्रिया दी है। सुनील शेट्टी ने हाल ही में दिए मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि मुझे पता है कि फैंस ने फरहाद सामजी को हेरा फेरी 3 से निकालने के लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड करवाया था, लेकिन सबकी अपनी अपनी किस्मत है। मैंने फरहाद के साथ कभी भी निर्देशक के रूप में आज तक काम नहीं किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि फरहाद एक अच्छे राइटर हैं। इसके अलावा अगर फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि हेरा फेरी 3 को फरहाद डायरेक्ट करें, तो मुझे भी उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। सुनील शेट्टी के इस बयान से तो यही लगता है कि वे अपने ऊपरी मन से निर्देशक फरहाद सामजी के निर्देशन में फिल्म हेरा फेरी 3 पर काम कर रहे हैं। अगर सुनील शेट्टी को लगता है कि फरहाद एक अच्छे निर्देशक हैं, तो वे बेझिझक फरहाद का पक्ष ले सकते थे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि फिल्म मेकर्स हेरा फेरी 3 को अभी भी फरहाद सामजी द्वारा ही निर्देशित करवाएंगे या फिर किसी दूसरे निर्देशक से इस फिल्म को निर्देशित करवाएंगे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।